आदिम जाति सहकारी समिति बांदे लैंपस अंतर्गत कुल 9 धान संग्रहण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की समाप्ति हो चुकी है। कुल 2,92,000 क्विंटल धान खरीदी किया गया था, जिसका करीबन 11,15,00,000 रुपए है, जिसमें से लगभग 4,000 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों से ही गायब हो गए हैं और केंद्र प्रभारी द्वारा सटेज होने का हवाला दिया जा रहा है। हमने जब समिति के प्रबंधक से जानकारी चाहिए तो गोलमोल जवाब देकर कार्रवाई करने की बात कही गई। अब देखना होगा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपको ज्ञात हो कि बांदे लैंपस समिति हमेशा सुर्खियों में रही। केंद्र प्रभारी चयन से लेकर धान संग्रहण तक कोई शिकायत होती रही, पर समिति प्रबंधक हमेशा कार्रवाई के हवाले देते रहते हैं। अब देखना है कि शासन प्रशासन क्या एक्शन लेते हैं। वहीं छोटे बेठिया केंद्र में 40,00,000 की धान नहीं पाया गया, जो धान गायब है। धान खरीदी केंद्र पर प्रभारी पर आरोप। बांदे लैंपस के PV92 का मामला सामने उजागर हुई, जांच जारी है। सभी केंद्रों में शॉर्टेज पाया गया है। कितने लगभग क्या है तौल में जो कमी आया है ना, उसके कारण कितना संख्या कुंटल की बात करें तो कितने कुंटल में आ रहा है? लगभग 3,000 क्विंटल। 3,000 क्विंटल तो सर ये शासकीय पेमेंट तो इसका हो चुका है ना? शासकीय पेमेंट हो चुका है तो केंद्र प्रभारी लोगों से वसूल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी मॉनिटरिंग करने की? मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, मतलब इसमें सभी अधिकारी हैं। और किस तरह की कार्रवाई होगी? अगर शॉर्टेज का पैसा जमा नहीं करेंगे तो FIR किया जाएगा। और जमा किए कर दिए तो शॉर्ट आउट हो जाएगा? शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र में विगत सालों से इस तरह की जो वारदात को ऐसे अंजाम दिया जाता है, फिर ऐसे फंड संचालकों को दोबारा से क्यों दिया जाता है? अब जो पिछले साल अच्छा काम किया उन लोगों को दिया गया, इस साल कुछ नए लोग भी आ गए। तो क्या मानते हैं, सीधा सीधा ये शासन के पैसे का दुरुपयोग है कि नहीं? शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता, ये केवल परिवहन में देर होने के कारण शॉर्टेज आया है। अगर समय पे परिवहन होता तो शॉर्टेज नहीं आती। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।